তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰূপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি নিজ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ দায়িত্ব লয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ বিকাশ নিধিৰ ধনৰ আবণ্টনৰ ফাইলত চহী কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেওবাৰে 7:15 তৃতীয়বাৰৰ বাবে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰিছিল নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যিকোনো মুহূৰ্ততে মন্ত্ৰীসকলৰ মাজত ডক্টৰ বিতৰণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে कि पीएमओ एक शक्ति का केंद्र है, एक बहुत बड़ा पावर सेंटर है और मैं न सत्ता के लिए पैदा हुआ हूं, न मैं शक्ति अर्जित करने के लिए सोचता हूं। मेरे लिए पीएमओ सत्ता केंद्र बने, पीएमओ शक्ति केंद्र बने, ये न मेरी इच्छा है न मेरा वो रास्ता है। और इसलिए 2014 से हमने जो कदम उठाए आपने मार्क किया होगा और पहले जो पीएमओ में रहे होंगे उनसे पूछ लेना, हमने इसको एक कैटलिक एजेंट के रूप में ही बना डेवलप करने की कोशिश की है। वो कैटलिक एजेंट के यहां से ऊर्जा प्रसारित होती रहे, यहां से नई नई चेतना प्रसारित होती रहे, जो पूरे तंत्र के अंदर एक प्रकार से विद्युत की तरह नई चमक दे, नई रोशनी दे, नई सामर्थ्य दे। और मेरी कोशिश रही है कि पीएमओ ये सेवा का अधिष्ठान होना चाहिए, पीएमओ ये पीपल्स पीएमओ होना चाहिए, ये मोदीज पीएमओ नहीं हो सकता है। और इसलिए मेरे दिल दिमाग में सिवाय 140 करोड़ कोई नहीं, और मेरे लिए 140 करोड़ नागरिक नहीं है, मेरे लिए 140 करोड़ परमात्मा का रूप है। और जब मैं सरकार में बैठ करके कोई निर्णय करता हूं तो मैं सोच रहा हूं कि मैंने आज 140 करोड़ देशवासियों को इस रूप में मैंने पूजा की है और उनके चरणों में मैंने इस योजना के रूप में एक पुष्प चढ़ाया है।